हेलो फ्रेंड्स मैं नीरज टेक एक्सेसिबिलिटी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं, फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखिए मैं आज इस ट्यूटोरियल में आपको एक आ, गेम के बारे में आपको बताने वाला हूं। हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में अभी जा रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ एक एंटरटेनमेंट चाहिए कई सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसा भी हमारे पास स्मार्टफोन है तो ऐसी सुविधा भी हमारे पास होनी चाहिए कि जिससे हम लोग अपना एंटरटेन कर सकें हम लोग बिकॉज काफ़ी सारे साइटेड यूज़र्स जो होते हैं जो अपने फ़ोन में बहुत अलग अलग तरह के एनिमेटेड गेम्स खेल सकते हैं लेकिन हमारे पास काफ़ी ऐसा लिमिटेड सोर्सेज हैं तो फ्रेंड्स मैं जो गेम ज़्यादा खेलता हूँ और जो मुझे बहुत पसंद है एक कार्ड गेम है उस कार्ड गेम के आज हम एक डेमो करेंगे और आपको उसके बारे में बताऊंगा बहुत इजी और बहुत बढ़िया गेम है तो बहुत सारे गेम्स के लिए हमें ईयरफोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपके दोनों कान में आपको लेफ्ट एंड राइट बिकॉज वो ऑडियो बेस्ड गेम होते हैं तो ये ऑडियो बेस्ड गेम नहीं है इसमें आपको ईयरफोन की ज़रूरत नहीं है ये आप कहीं पर भी होते हुए आप अपने फ़ोन पर अपने वॉइस ओवर के साथ ये जेस्चर बेस्ड गेम है और कार्ड का गेम है तो बहुत अच्छे से खेल सकते हैं फ्रेंड्स तो मैं इस गेम के बारे में आपको बताता हूँ आगे ट्यूटोरियल में तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इस गेम का नाम है ब्लाइंड फोल्ड क्रेजी एट्स इस गेम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मैं इस गेम के बारे में आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स uh, इसका पहले हम लोग लेआउट देखेंगे फिर गेम को खेल के भी देखेंगे तो इसका पूरा इंटरफेस आपको सामने फर्स्ट स्क्रीन है तो जिसमें uh, मैं आपको लेफ्ट से राइट टॉप लेफ्ट पे हूँ मैं अभी मेरा वॉइस uh, ओवर का फोकस राइट में मैं, मैं स्वैप कर रहा हूँ ये रिज्यूम अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप यहाँ से बटन दबा के वही गेम को आप रिज्यूम कर सकते हैं ड्रा वन कार्ड ड्रॉ वन कार्ड टू प्लेयर्स आप टू प्लेयर्स के मतलब वहाँ पे आपके साथ कंप्यूटर में दो प्लेयर्स या तीन प्लेयर्स या चार प्लेयर्स तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये आ, आपको कार्ड को ड्रॉ करना है यानी अपने जो कार्ड की गड्डी होती है उसमें से एक एक कार्ड निकालना है तो अगर आप ए वन जो कार्ड ड्राइंग का गेम खेल रहे हैं तो उसमें दो प्लेयर के साथ आप खेल सकते हैं ये पहला ऑप्शन है पहला गेम है वन कार्ड थ्री प्लेयर्स ड्रॉ वन कार्ड थ्री प्लेयर्स मतलब आप एट ए टाइम वन कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा है ये गेम का पैटर्न क्योंकि इसमें दो तरह के गेम हैं कंटिन्यूसली ड्रॉ भी कर सकते हैं और वन बाय वन ओनली वन वन कार्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं तो पहला टू प्लेयर्स का गेम है फिर थ्री प्लेयर्स का है ड्रॉ वन कार्ड फोर प्लेयर्स ये फोर प्लेयर वाला गेम है ड्रॉ टिल दिस कार्ड टू प्लेयर्स हाँ ड्रॉ टिल दिस कार्ड यानी आपको जब तक ड्रॉ करते रहना है कार्ड्स या जब तक आपके पास वो जो आपको कार्ड चाहिए जो आपका डिजायर कार्ड है तब तक आपके पास नहीं आ जाए तो तब तक आपके पास बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे और अगर आपका डिज़ायर कार्ड अब तक नहीं पहुंचता है तो आपको रैंडमली कार्ड जमा करना पड़ेगा और बहुत सारे पॉइंट्स भी आपके पास गैदर्ड हो जाते हैं तो ये जो है ये बहुत रैपिड फायर गेम होता है तो पहले मैं आपको ईजी वाला सिखाऊँगा फिर जैसे आप वो सीख जाएँ तो फिर आप ये भी खेल पाएंगे तो इसमें भी

सेटिंग uh, है मैं सेटिंग आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बाय एंड अपग्रेड गेम तो ये एक्चुअली फ्री ऐप है लेकिन आपको इन ऐप परचेसेज है तो शायद आपको दो या तीन गेम आप फ्री खेल पाएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया गेम तो आप इसको इन ऐप परचेस कर पाएंगे आई थिंक इसमें दो तरह के इन ऐप परचेस हैं एक टू uh, नाइन्टी का इंडियन करेंसी में और एक 159 का अगर हम लोग ओपोनेंट को चूज़ करें तो ओपोनेंट हमें रैंडमली मिल जाते हैं तो आपको उसके लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है 159 वाला लेकिन 299 का आई थिंक इसका है जिसमें आपके सारे जो पॉइंट्स और वैल्यूज सब ओपन हो जाएंगे और फिर आप अनलिमिटेड खेल पाएंगे तो हम सेटिंग में जाते हैं ये लास्ट ऑप्शन था मैं सेटिंग में लेफ्ट स्वैप कर रहा हूँ फटाफट बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे एक्चुअली आप रख सकते हैं इसमें डबल टैप करेंगे तो आपको सॉफ्ट म्यूज़िक रखनी है बैकग्राउंड में गेम खेलते हुए या मीडियम रखनी है या हाई म्यूज़िक रखनी है या क्वाइट मैंने एक्चुअली क्वाइट रखा है मैंने इसे म्यूजिक बंद क्योंकि हमें सुनने में डिफिक डिस्टर्बेंस हो सकता है तो मैंने इसे क्वाइट रखा है तो आप रिकमेंड करूँगा कि आप भी क्वाइट रखें हाँ तो ये डिंग साउंड है जो हमारा हमारे पास जो हमारे सेवन कार्ड्स अगर हमारे हाथ में हैं तो उसमें जो प्लेबल कार्ड मतलब जो आप खेल सकते हैं अगर वो प्लेबल कार्ड जब हाँ ये वॉइस ओवर अनाउंस करता है बताता है तो वो प्लेबल कार्ड होगा तो उसका साउंड डिंग करके आना चाहिए तो ये डिंग साउंड ऑन है इसे ऑन रखिएगा ये और एक आपको इंडिकेशन देता है मतलब आपको नोटिफिकेशन या आप एक तरह का समझें कि एक आपको क्लिक देता है कि आप ये कार्ड प्ले कर सकते हैं तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन या आपको क्लिक मिलते रहे तो उसके लिए भी आपको ये ऑन रखना है टारगेट स्कोर नाउ इट इज 50 टारगेट स्कोर यहाँ पे टारगेट स्कोर को आप कम ज़्यादा या नहीं ये आपके पॉइंट वैल्यू मतलब आपको कितने का कितने पॉइंट तक मैच खेलना है सपोज़ अगर पहला हमने टू प्लेयर के साथ खेला तो पहला मैच हुआ पहले मैच में आपके कुछ टेन पॉइंट्स आपने विन किए तो आपको अप टू फिफ्टी पॉइंट्स अगर आपको ये मैच खेलना है तो आपके हो सकता है कि तीन मैच में हो सकता है पाँच मैच में हो सकता है फोर मैच में हो तो आप जब तक आपके फिफ्टी पॉइंट्स नहीं होते तब तक आपका पूरा मैच कम्प्लीट नहीं होगा और फिर उसके बाद ही आइदर यू विल बी लूज़र और विनर तो आपको ये पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बहुत इजी गेम है तो इसको 50, 100, 150, 200, 250 तक आप इसके 500 तक के पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं तो आपको की जितना लंबा मैच खेलना है उतना है, उसने यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ, अगर मैं डबल टैप तो हम कॉम्पिटेटर भी कर सकते हैं लेकिन को करने के लिए आपको इन ऐप परचेज करना पड़ेगा तो मैंने इसे रैंडम ही रहने दिया क्योंकि बाय करने की जरूरत नहीं देखिए तो जब हम बात करते हैं ऑन होना चाहिए तो क्योंकि वो बात भी करे और साउंड इफेक्ट भी आए Post my, new uh, post my high score to none a post my high score to none ya na yahan pe aap apne jo high score hai आप अपने yahan pe aapko facebook aur twitter pe aap post kar sakte hain but menu se none rakha hai mujhe koi zarurat nahi hai customized voices yahan pe hum apne voices ko customize kar sakte hain main aapko dikhata hu double tap karte hain cancel button voices heading save button select the voice देखिए इसने बता दिया कि आप आपकी जो आपका जो प्लेयर रहेगा उस प्लेयर की वॉइस आपको क्या रखनी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके ओपोनेंट यूजुअली uh, अगर टू प्लेयर रहता है तो उसमें टू प्लेयर का सेकंड प्लेयर का आपका जो वॉइस है उसका स्पीच रेट पिच रेट क्या होना चाहिए उसका वॉइस वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे सब सेट कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ तो मेरा जो प्लेयर uh, है उसका जो वॉइस है मैंने सीमेंता रखा है देखो बताएगा ये इंग्लिश कंट्रीज का यूजली है अगर हम two two. बाकी कंट्रीज का भी हम लोग देख सकते हैं अगर हमें कोई रीजनल कंट्री देखना है तो हम, मैंने इंग्लिश कंट्रीज सेलेक्ट करा हुआ है

तो ये आ, इस इसमें आपको दिखाई देगा मोर इन्फो इन्फो मोर डबल टैप करते हैं देखिए यूज दिस वॉइस फॉर डैनियल की वॉइस को हम किस लिए यूज कर रहे हैं सेट स्पीड ओपोनेंट की वॉइस है तो यहाँ से हम लोग सेट स्पीड अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा तो यहाँ से स्पीड uh, कम ज्यादा कर पाएंगे हम लोग स्लो स्लोएस्ट मीडियम फास्ट फास्टेस्ट सेट पिच बटन बीच हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं सेट वॉल्यूम बटन सेट वॉल्यूम कर सकते हैं कैंसिल बटन देखिए कैंसिल ये लास्ट है तो मैं आपको सेट वॉल्यूम सेट पिच सेट स्पीड बटन स्पीड बताता हूं कैसे होता है चेंज कलर चेंज स्पीड फॉर स्पीकिंग देखिए सुपर स्लो बटन ये सुपर स्लो है वेरी स्लो बटन वेरी स्लो है स्लो बटन स्लो है मीडियम Button medium fast button. fast, button. very fast. Button mm. super fast, button. Super fast. Default button default. Button default. May say medium, super fa very fast. Medium button. Medium double tap. Kare. This is how your opponent's actions screen will sound. recording in progress. Button status bar item.

यहाँ पे हम गेम साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं लेकिन आ, मैंने उसे एज इट इज डिफॉल्ट रहने दिया यूज जेस्टर मेन्यू नाउ इट इज ऑन जेस्टर मेन्यू को ऑन रखा है रिपीट मैसेज इफ इट वाजंट स्पोकन नाउ इट इज ऑन या हम लोग मैसेज को रिपीट करें तो उसको भी ऑन रखा है अबाउट हेडिंग ये अबाउट रहेगा वर्जन 4.0.1 ये हमारा वर्जन है एप्लीकेशन का डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एप्स ऑन स्टार्टअप नाउ इट इज ऑफ हाँ ये बहुत जरूरी है कि डिस्प्ले जब अप, अप, जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होती है तो हमारे एप्लीकेशन के जो डेवलपर के दूसरे एप्लीकेशन से उसके भी हमारे कई बार मेनू सामने आ जाते हैं तो इसे आप ऑफ रखेंगे तो अननेसरी आपको ऐड डेवलपर की एड नहीं आएगी इसे ऑफ रखिएगा

तो मैंने जैसे रिसेट कर लिया अब मैं टू प्लेयर वाला जो गेम है वो खेलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से खेलते हैं। crazy eight draw one card, two इसको डबल टैप कर रहा हूँ Starting draw one card, two players. You go first. Dealing your cards. Dealing Bob's cards. Dealing a card to discard pile. You have seven cards. Three of clubs. Jack of clubs. Three of diamonds. फ्रेंड्स so आपने देखा ये जो पहला जो फीमेल का वॉइस था वो सीमेंता का वॉइस वो मेरे प्लेयर का वॉइस है और जो मेरा ओपोनेंट है वो डेनियल है यहाँ पे सेवन कार्ड को उन्होंने एक्चुअली कार्ड्स हमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मुझे सेवन कार्ड्स डाले हैं और बॉब्स जो हैं डेनियल उन्हें भी डाला है उसका ओपोनेंट का नाम है बॉब तो उन्हें भी सेवन कार्ड्स दिए हैं तो उन्होंने मेरे पास कौन कौन से कार्ड हैं वो बता दिए तो जो स्पेड के डायमंड्स के स्पेस uh, के और हार्ट्स uh, के जो कार्ड्स हैं सेवन uh, कार्ड्स uh, और जो हमें नीचे जो ग्राउंड uh, पे जो कार्ड है जो हमें ड्रॉ करके उसमें हमें इन वहाँ पर हमें कुटअप करना है वो कार्ड्स कौन सा है वो भी अगर आपको जानना है कि आपका जो कार्ड आपको डिज़ायर कार्ड कौन सा है मतलब uh, कौन से सेक्शन uh, का है तो ये आपको जानने के लिए टू फिंगर स्क्रीन पर टच करना है तो आपको आपको वो कार्ड का ही एक्शन प्ले करना है तो मैं आपको बताता तो, हूँ कौन सा हमें कार्ड अभी प्ले करना है तो वो कौन से सेक्शन का रहेगा देखिए पाइल टॉप कार्ड क्वीन ऑफ डायमंड डायमंड का ही हमें वहाँ पे uh, वो डिस्कार्ड कार्ड है ऑन द ग्राउंड तो हमें डायमंड uh, का ही हमें कार्ड्स या हमें कोई भी का जो हमारे पास कार्ड है फोर uh, कैटेगरी में तो इसमें से कोई क्वीन रहेगा तो हम क्वीन को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कार्ड कौन कौन से तो हमें कार्ड देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वन फिंगर लेफ्ट ऑन राइट स्वैप कर देते हैं तो आप देखते हैं पहले कौन कौन से कार्ड हैं जैक ऑफ क्लब्स ये देखिए थ्री ऑफ क्लब्स ये लेफ्ट uh, में सबसे पहला थ्री ऑफ क्लब्स क्लब का कैटेगरी में हमारे पास थ्री है जैक ऑफ क्लब्स जैक यानी जैक है हमारे पास जिसे हम लोग अगर कार्ड्स की भाषा में गुलाम भी बोलते हैं थ्री ऑफ डायमंड जैक ऑफ क्लब थ्री ऑफ डायमंड देखिए थ्री ऑफ डायमंड्स यानी डायमंड्स का हमारे पास थ्री नंबर का कार्ड है इसने टिंग डिंग करके साउंड दिया क्योंकि ये प्लेबल कार्ड है मैं इसे प्ले कर सकता हूँ थ्री ऑफ हार्ट हार्ट्स कार्ड क्योंकि हमारे पास डायमंड का एक ही कार्ड है तो उसने एक ही बार एक ही अनाउंस किया तो उसके बाद हार्ट्स है क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी मैं मैं को भी ये भी भी ये ये है, है. है इसने sound दे दिया, तो मैं इसे भी play कर सकता का का, हमारे पास seven है, king of spades. King है spade का, बस हमारे पास सेवन कार्ड्स हैं, तो उसमें से जो ऑन द फ्लोर वो है वो क्वीन अभी मेरे पास जो कम कार्ड है वो मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगा जो मेरे पास ज़्यादा कार्ड है और उसका अगर वो मेरे पास प्लेबल कार्ड है तो मैं वो पहले क्योंकि मुझे ज़्यादा कार्ड जो भी कैटेगरी के हैं वो मुझे जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड करने हैं तो मैं मेरे पास जैसे आपने सुना कि मेरे पास दो प्लेबल कार्ड है एक तो क्वीन ऑफ हार्ट और थ्री ऑफ डायमंड्स तो मैं क्वीन ऑफ़ हार्ट्स को पहले डिस्कार्ड करूँगा क्योंकि मेरे पास हार्ट्स के दो हैं तो, तो मैं क्वीन ऑफ़ हार्ट्स को तो प्ले करते हैं हम लोग मैं लेफ़्ट साइड स्वैप करता हूँ और उसको कार्ड को

अभी मेरे पास भी सिक्स कार्ड्स हैं अब मुझे किंग ऑफ हार्ट्स में से आ, अब मेरे पास कोई किंग तो है नहीं तो मेरे पास हार्ट्स का ही कोई कार्ड डिस्कार्ड करना पड़ेगा तो मैं मेरे पास अभी हार्ट का एक ही कार्ड है जो थ्री नंबर का है तो अगर मैं थ्री नंबर का कार्ड को डबल टैप करूंगा देखिए आप लेफ्ट राइट कर और मेरे पास किंग ऑफ स्पेड भी है क्योंकि वो भी मैं प्ले कर सकता

क्लब के दो कार्ड है मेरे पास थ्री नंबर uh, का और जैक है तो मैं थ्री ऑफ क्लब को डबल टैप करता हूं यू प्लेड थ्री ऑफ क्लब्स यू हैव फोर कार्ड्स बॉब प्लेस फाइव ऑफ क्लब्स बॉब हैज फोर कार्ड्स इट्स योर टर्न उन्होंने फाइव डाला है अब मैं देखता हूं मेरे पास एक जैक ऑफ क्लब है और कोई फाइव नंबर का मेरे ख्याल से फाइव ऑफ स्पेड है थ्री ऑफ डायमंड्स थ्री ऑफ हार्ट्स Seven of Spades. Five number uh, card I think Jack of Club option है. Three of Heart, three of diamonds. Jack of Clubs. You played Jack of Clubs. You have three cards. Bob plays Jack of Hearts. Bob has three cards. Jack it's of your hearts, turn. Hearts Three of Heart, three of diamonds. three of Seven of Three of Hearts. Three of Hearts double tap You played Three of Hearts. You have two cards. Bob draws a card. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आपने सुना होगा बॉब्स के पास अभी कोई हार्ट्स का कार्ड नहीं था तो उसने कार्ड को ड्रॉ किया यानी जो कार्ड्स की गड्डी थी उसमें से एक कार्ड को ड्रा किया उसके पास अभी जो पहले थ्री कार्ड्स है अभी फोर कार्ड्स हो गए क्योंकि उसके पास और वो जो का, जो कैटेगरी का जो हार्ट के कैटेगरी का उसके पास कोई कार्ड आया ही नहीं है और हमारे पास भी थ्री ऑफ हार्ट्स का जो कार्ड है वो ऑन द ग्राउंड है तो हमें या तो हमारे कार्ड्स में थ्री नंबर का कोई कैटेगरी का, का कार्ड चाहिए या फिर हमें हार्ट्स का ही कैटेगरी का कोई कार्ड चाहिए अगर हमारे पास थ्री नंबर का कार्ड है तो हम उसे भी ड्रा डिस्कार्ड uh, कर सकते हैं तो हम लोग पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन सा कार्ड है अदरवाइज हमें भी ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम लोग मैं लेफ्ट में जाता हूँ सेवन थ्री ऑफ डायमंड ग्रेट हमारे पास थ्री ऑफ डायमंड यानी थ्री नंबर का हमारे पास कार्ड है तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऑफ ऑफ डायमंड मैं आपको राइट right में दिखा देता और क्या क्या है दो ही गुड तो मैं थ्री ऑफ डायमंड को डिस्कार्ड करता हूँ बॉब ने किंग ऑफ डायमंड डिस्कार्ड किया है अभी हमारा टन है और हमारे पास एक ही कार्ड है लेकिन हमारे पास डायमंड का तो कोई भी कार्ड नहीं है और मेरे पास एक ही कार्ड बचा है वो कार्ड कौन सा है देख लीजिए, वो है। तो अब मैं इसको तो डिस्कार्ड नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं अगर इसको डबल टैप करूंगा तो ये देखिए आपको uh, प्ले दिस कार्ड तो आपको अगर कोई प्लेबल कार्ड चाहिए या कार्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा तो उसके लिए अगर कार्ड को ड्रॉ करने के लिए मुझे सिंगल फिंगर से ट्रिपल टैप करना है तो मैं एक कार्ड को ड्रॉ करूंगा अगर वो डायमंड आ गया या फिर किंग आ गया तो मैं वो कार्ड को प्ले कर सकता हूँ देखते हैं हम लोग हमारे पास कौन सा कार्ड आता है सिंगल फिंगर ट्रिपल, ट्रिपल टैप करते हैं you drew six of hearts. Bob plays ace of

ये दो कार्ड मेरे, मेरे पास भी तीन कार्ड हैं और जो ग्राउंड पे जो कार्ड है वो डायमंड का है देखिए मैं टू फिंगर टच कर रहा हूँ मुझे एस ऑफ डायमंड का ही चाहिए और हम लोग जो आ, ये कार्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई कार्ड नहीं और हमारे पास एक ऐसा कार्ड होता है जिसे एट नंबर का कार्ड होता है जिसे हम लोग जैसे हमारी हिंदी भाषा में जोकर भी बोलते हैं हमारे कार्ड्स में तो ये एट नंबर का टर्मिनेटर कार्ड्स होता है अगर आपके पास वो ये का, चारों कैटेगरी में से एट नंबर का कार्ड है तो आपके पास जो कैटेगरी अवेलेबल है उस वो आप कैटेगरी यू कैन फोर्स टू प्ले दैट मतलब आप वो डिस्कार्ड करा कर सकते हैं कि सपोज अगर आपके पास हार्ट्स के चार हैं तो आप आ, आप उसे बोल सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो डिस्कार्ड कार्ड आएगा वो हार्ट्स का आ सकता है मतलब यू कैन

Seven of spades, ten of spades. Seven, six of eight of clubs. Six of eight of clubs. You played eight of club, club, diamond, hearts, spades. Wild suit is now spades. Bob plays six of spades. Bob has three cards. It's your turn. Friends, work तुरंत बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास फाइव सेकेंड था जैसे ही मैंने कार्ड को ड्रा किया सिंगल फिंगर ट्रिपल टैप से तो मेरे पास एट ऑफ डायमंड आया तो एट ऑफ डायमंड आने के बाद ये मेरे पास टर्मिनेटर कार्ड था तो मैंने इसे प्ले कर दिया प्ले करने के बाद मुझे चांस मिला कि मैं मैं कोई भी जो डिस्कार्ड कार्ड की कैटेगरी है उसे चेंज कर सकता हूं तो मेरे पास जैसे स्पेड के काफ़ी सारे कार्ड्स जमा हो गए थे तो मुझे स्पेड के कार्ड जल्दी डिस्कार्ड करने हैं तो मैंने ही वो कैटेगरी फिर हमारे सामने आ जाती है कि आपको कौन सा कैटेगरी डिस्कार्ड की बदलनी है तो डायमंड हार्ट स्पेड और जो हमारा चौथा कैटेगरी है क्लब की तो मैंने स्पेड का कैटेगरी को डबल टैप किया ये आपके पास बहुत फास्ट करना पड़ता है पाँच सेकेंड के अंदर हमें ये करना पड़ता है तो मैंने स्पेड जैसे ही डिस्कार्ड की कैटेगरी चेंज की तो अभी बॉब ने उनका प्ले करा है आपको बताता हूँ बॉब ने अभी कौन सा प्ले किया और हमारे पास ऑन द ग्राउंड कौन सा डिस्कार्ड कार्ड है जिस जो कैटेगरी का हमें प्ले करना पड़ेगा Discard pile top card is six of spades. Six of spades. So we have to discard the spade because we have to the game. Five of spades. Seven of spades. Ten of spades. Seven of spades. Six is more seven, so I seven of spades. Double tap. You किया. played seven of spades. You have three cards. Bob plays two of spades. Bob has two cards. It's your ten of spades. Five of spades. You played five of spades. You have two cards. Bob draws a card. Bob has three cards. It's your turn. Spade का card Bob के पास नहीं उसने card draw किया उसके दो से तीन हो गए हमारे पास दो हैं. Ten of spades. Ten of spades. Six of hearts. Six of hearts. Of heart, तो मैं ten of spades. अभी हमारे पास ये playable card है तो मैं इसे double tap करता हूँ. You play ten of spades. You have one card. Bob plays queen of spades. Bob has two cards. It's your turn. अभी Queen of Space, uh, Spade, Dalneke, Bad Hamarapas, Votoni, Hamarapas, Hiki, heart You have one card. Six of Hearts. card draw single finger triple tap. You drew six of clubs. Bob draws a card. Bob has three cards. It's your turn. Draw. single finger triple tap. You drew Ace of Hearts. Bob plays Jack of Spades. Bob has two cards. It's your turn. You drew nine of Spades. You have five. You played nine of spades. You have three cards. Bob plays nine of hearts. Bob has one card. It's your turn. Friend, हमारे पास जैसे हमने card draw किया तो nine of spade आया तो हमने उसे double tap कर दिया nine of spade play जैसे हमने discard किया तो जो Bob ने opponent ने nine of hearts डाल दिया तो अभी उसके पास एक ही card बचा है अभी हमारे पास भी कितने cards हम लोग देख लेते हैं. Six of clubs. Ace of hearts. Six of hearts. हमारे पास three cards हैं. तो हम लोग को, को हम लोग करते हैं के पास भी हार्ट का कोई नहीं था तो उसने ड्रॉ किया अभी हमारे पास भी दो कार्ड हैं एक क्लब का और एक हार्ट का तो हम अभी हार्ट का डिस्कार्ड कार्ड है तो हम हार्ट को सिक्स ऑफ हार्ट्स को डबल टैप करेंगे देखिए Six of hearts. Playable card you played six of hearts. You have one card. Bob plays four of hearts. Bob has one card. It's your turn. six of club four of heart draw single finger triple tap. You drew six of diamonds. Bob draws a card. Bob has two cards. It's your turn. You drew ten of diamonds. Bob plays five of hearts. Bob has one card. It's your turn. You drew 10 of hearts. You played 10 of hearts. You have three cards. Bob plays 10 of clubs. Bob has no cards left. Bob is out of cards, so the round is over. Your cards give 22 points to the winner. Bob wins this round with 22 points for a total of 22 points. Here are the scores so far. You have a total of 0 points. Bob has a total of 22 points.

Uh, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है उम्मीद है कि आपको शायद ये गेम समझ में आए तो मैं आगे के राउंड्स uh, आप खेल सकते हैं अपने हिसाब से तो फ्रेंड्स uh, इस तरह का ये गेम था तो आपको अगर जैसे इसे बाहर आना है या मेन मेनू में आना है तो थ्री फिंगर स्वाइप अप करेंगे तो ये आप मेन मेनू में आ जाएंगे या आपको नेक्स्ट राउंड खेलना है तो सिंगल फिंगर से स्वाइप अप करने से यह आपका सेकंड राउंड शुरू हो जाता है तो जब तक आपके फिफ्टी पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते तब तक या इस तरह से आप ऑपोनेंट के साथ गेम खेल सकते हैं सो so, उम्मीद है दोस्तों ये गेम शायद आपको समझ में आया ये इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न हो तो मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में इन्जॉय करें और ऐसे ही आने वाले बहुत अच्छे और नॉलेजेबल ट्यूटोरियल को देखने के लिए या सुनने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल से के साथ बने रहें मेन वेल्ड टेक केयर स्टे सेफ़ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाय